यहाँ पे गाइस आपके दो टाइपोलॉजीज हैं, एक यहाँ पे है आपके थ्री बेडरूम, ठीक है, जो कि आपके 260 गज के प्लॉट में बने हुए हैं, जिसमें बिल्डर आपको सेलेबल एरिया बोलता है कोई 2660 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसमें आपको गाइस एक आपका आपकी ग्राउंड फ्लोर पे तो आपकी स्टेज में पार्किंग हो गई, उसके बाद आपके चार फ्लोर हो गए, उसके अलावा आपको गाइस बेसमेंट में यहाँ पे एक सर्वेंट रूम मिलेगा, उसके अलावा एक आपको यहाँ पे ऑफिस स्पेस मिलेगा तकरीबन 300-300 स्क्वायर फीट का। उसके अलावा गाइज आपको टॉप फ्लोर पे यहाँ पे शेयर टेरेस राइड भी मिलेंगे। आप हैं तो बेसिकली एक हुडा सेक्टर में ही, लेकिन हुडा सेक्टर के अंदर आपको एक गेटेड सोसाइटी में मायवन कंस्ट्रक्शन के साथ बेसमेंट और टेरेस राइड के साथ यहाँ पे बिल्डर यूनिट ऑफर कर रहा है। अगर आप एक गेटेड सोसाइटी में रहना चाहते हो अच्छे कार्पेट एरिया के साथ और 3 करोड़ से कम के बजट में, दिस इज स्टिल अ वेरी वायबल ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इस साल में आप सब लोग बहुत खुश रहें, खुशहाल रहे, आपके पास समृद्धि आए, और आप आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदें वो आपको बहुत फले फूले और उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिले। तो गाइस आज मैं आपको गाइस न्यू गुड़गांव की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद अब आपको मैं मिलने आया हूँ आज एक नई लोकेशन पे, सेक्टर 51। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑर्किड ईवी। ये गाइस यहाँ पे लो राइज गेटेड फ्लोर्स हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था लिंडन फ्लोर्स का, तो कहीं ना कहीं ये लिंडन फ्लोर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जहां पर बिल्डर आपको गेटेड सोसाइटी के अंदर 3 और 4 बेडरूम के फ्लोर्स दे रहा है, ठीक है। कुछ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले गाइस मैं आपसे लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूं, बिकॉज इस लोकेशन पे मैं फर्स्ट टाइम आज आया हूं शूट करने के लिए। वी आर करंटली स्टैंडिंग इन सेक्टर 51। ये गाइस सेक्टर आपका जो है ना मेदांता हॉस्पिटल से जो रोड आती है आगे मेन गुड़गांव की तरफ, उसी रोड पे आगे जाके लेफ्ट पे लेके पड़ता है। यहीं से पास में आपका पीछे आर्टेमिस हॉस्पिटल भी है, यहीं पे पीछे आपका इसी रोड पे आगे जाके आपका गुडअर्थ का मॉल भी है। तो बेसिकली आप मेन शहर के बिल्कुल पास में है। एक्चुअली इसके ना एरिया के थोड़ा सा आगे जाके ऑर्किड वालों का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऑर्किड आइलैंड, उसके पीछे वाली लैंड है जहाँ पे गाइज ये लोग आपको लो राइज गेटेड फ्लोर ऑफर कर रहे हैं टोटल 7 एकड़ के एरिया में, ठीक है। बट बिफोर टेलिंग यू मोर अबाउट द प्रोजेक्ट, लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द बिल्डर। सो गाइज सबसे पहले बिल्डर की क्रेडेंशियल्स, ये जो ऑर्किड ग्रुप है गाइज, ऑर्किड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी ऑफ दिल्ली NCR। मोर देन 40 ईयर्स से ये लोग गाइज रियल एस्टेट के बिजनेस में है। दे हैव ह्यूज लैंड बैंक्स, मतलब ना बहुत तसल्ली से बहुत आराम से काम करने वाली कंपनी है। एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट बेचते हैं और बिल्डर्स की तरह ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करते हैं। अगर मैं इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करूँ रेजिडेंशियल में, इन्होंने सोना रोड पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑर्किड पेटल, जिसमें पिछले 12-13 साल से लोग रह रहे हैं, इट्स अ फैंटास्टिक सोसाइटी। उसके अलावा इन्होंने ऑर्किड आइलैंड सेक्टर 51 में लो राइज गेटेड पूरा एक अपना सोसाइटी डिलीवर कर रखी है, वो भी 100% ऑक्यूपाइड है। उसके अलावा गाइज इनके कुछ ऑफिस स्पेसेस हैं, जो एक उन्होंने गोल्फ कोर्स रोड पे डिलीवर किया हुआ है, एक इन्होंने MG रोड पे डिलीवर किया हुआ है। और भी इनकी गाइज काफ़ी लैंड बैंक है, कैश रिच कंपनी है, बहुत धीरे धीरे अपने पेस पे ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर भी अभी इन्होंने एक सेक्शन ही लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर लैंड पैच पे भी, इनके पास आगे भी आने वाले टाइम में और फ्लोर्स आएंगे। तो गाइज अभी हम चलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे, वहाँ पे हम आपको सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं, प्रोजेक्ट की फिर स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज के बारे में बताएंगे। सो गाइज अभी हम इस प्रोजेक्ट के सैंपल फ्लैट पे आ चुके हैं। यहाँ पे गाइज इन्होंने क्या किया है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होता है, इन्होंने 2 प्लॉट्स को कंबाइन करके, उसके आप मेरे राइट हैंड पे देख रहे हैं, इन्होंने अलग एक लॉबी बना दी है, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपकी 2 टाइपोलॉजीज हैं, एक यहाँ पे है आपके 3 बेडरूम, ठीक है, जो कि आपके 260 गज के प्लॉट में बने हुए हैं, जिसमें बिल्डर आपको सेलेबल एरिया बोलता है कोई 2660 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसमें आपको गाइज एक आपका आपकी ग्राउंड फ्लोर पे तो आपकी स्टेज में पार्किंग हो गई, उसके बाद आपके 4 फ्लोर हो गए, उसके अलावा
आपको गाइस बेसमेंट में यहाँ पे एक सर्वेंट रूम मिलेगा, उसके अलावा एक आपको यहाँ पे ऑफिस स्पेस मिलेगा तकरीबन 300-300 स्क्वायर फीट का। उसके अलावा गाइज आपको टॉप फ्लोर पे यहाँ पे शेयर टेरेस राइड भी मिलेंगे, जो कि शुरू में जब दीनदयाल के प्रोजेक्ट आए थे वहाँ पर ऐसे यू नो राइट्स बिल्डर्स ने ऑफर किए थे। तो उसके अलावा गाइज एक दूसरा साइज यहाँ पे है 4 बेडरूम का, जो कि आपका 340 गज के प्लॉट में है। वहाँ पे बिल्डर आपको 3200 स्क्वायर फीट के आसपास का वहाँ पे आपको सुपर एरिया ऑफर करता है, और उसके अंदर भी आपको अपार्टमेंट के एरिया के अलावा आपको बेसमेंट में एक 450 स्क्वायर फीट का कमरा और एक सर्वेंट रूम आपको गाइज यहाँ पे बिल्डर अलग से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, दैट इज माई वन कंस्ट्रक्शन, जो कि आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर छोड़ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ सिग्नेचर भी आज की डेट में माई वन नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, लिंडन फ्लोर्स का मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे माई वन कंस्ट्रक्शन बिल्डर का कहना है उन्होंने इसलिए रखी है ताकि जब NGT का बैन आता है तब उनकी कंस्ट्रक्शन ना रुके। ठीक है, और ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इनका फेज़ वन जो है यहाँ पे वो सितंबर 2025 तक डिलीवर कर देंगे। ठीक है, काफ़ी इनके पास यहाँ पे गाइस प्लॉट्स हैं जहाँ पे इनका सेल्स ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे हमने पहला शॉट लिया था वहाँ से लेके यहाँ तक यू नो बीच में काफ़ी इनके आगे प्लॉट्स हैं जो आने वाले टाइम में ये लोग क्या कहते हैं ना आपके लॉन्च करेंगे। अभी 18 मीटर रोड से हम मेन सेक्टर रोड से अंदर आते हैं, और जो आपका टाउनशिप है टाउनशिप के अंदर लिंडन की तरह यहाँ पर भी आपकी 12 मीटर की रोड रहने वाली है। ठीक है, तो गाइज ये तो आपका एक ना गेटेड कम्युनिटी हो गई। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं ना आपका थंब वाला एक्सेस भी देंगे सिक्योरिटी के लिए, नीचे गार्ड्स वगैरह रहेंगे। तो आप हैं तो बेसिकली एक हुडा सेक्टर में ही, लेकिन हुडा सेक्टर के अंदर आपको एक गेटेड सोसाइटी में माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ बेसमेंट और टेरेस राइट के साथ यहाँ पे बिल्डर यूनिट ऑफर कर रहा है। गाइज एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको पिछले शॉट में बताना भूल गया था कि इनकी क्योंकि ना पूरी रो ऑफ प्लॉट्स है, तो यहाँ पे गाइज इनका ना आप देख रहे हैं अभी मैं स्टिल्ट एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पे इन्होंने पार्किंग स्लॉट दिखाए हुए हैं, तो यहाँ से लेके ना आगे तक सारे के सारे इनके प्लॉट्स ना ओपन होंगे। तो आप एक तरफ से गाड़ी निकालेंगे ड्राइववे टाइप, दूसरी तरफ से आप ड्राइववे से निकाल लेंगे। तो ये जो एक लोगों को कंसर्न रहता है ना फ्लोर्स में कि यार मेरे को गाड़ी आगे पीछे खड़ी करनी पड़ती है या मेरे को ना पार्किंग की दिक्कत होती है, वो पार्किंग यहाँ पे जो बिल्डर क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे आपको वो पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, ये प्रॉपर आपको ड्राइववे देंगे और आप रस्ते में पूरा अपनी वहाँ पे गाड़ियाँ आराम से पार्क कर पाएंगे। एक फ्लैट के साथ गाइज वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो इतना महंगा फ्लैट खरीद रहा है उसको कम से कम 2 गाड़ियों की पार्किंग तो चाहिए ही। तो यहाँ पे भी आपको बिकॉज यू नो मोटा मोटा 260 गज के प्लॉट में कंफर्टेबली 8 गाड़ियों की पार्किंग निकलती है। उसके अलावा जो आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट का भी एक्सेस गाइज आपका बेसमेंट में भी रहेगा, स्टिल्ट में भी रहेगा, उसके बाद चारों फ्लोर के साथ साथ आपकी लिफ्ट टेरेस तक भी जाएगी। गाइज यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ करी है कि स्टिल्ट एरिया में से ही अलग से इन्होंने सीढ़ियाँ दे रखी हैं जो कि आपकी सर्वेंट रूम तक जाएंगी। ठीक है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो इससे क्या हो गया कि आपकी ना प्राइवेसी भी मेंटेन हो गई। ठीक है, और आपका जो बेसमेंट में अलग से आपको कमरा मिल रहा है जो स्टूडियो वाला रूम या जो भी आपका स्टोरेज वाला एरिया है, उससे आपका सर्वेंट रूम भी सेपरेट हो गया और सर्वेंट को भी अपनी अलग से प्राइवेसी मिल गई, और काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पर इन्होंने सर्वेंट रूम प्रोवाइड किया है। So guys, now I am in the basement area. ठीक है, लिफ्ट मैंने आपको बताया था, लिफ्ट का एक्सेस बेसमेंट तक भी रहेगा। यहाँ पर इन्होंने guys, बेसमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ दिए हुए हैं ऑफिस स्पेस के रूम या स्टोर रूम या जो भी आप उसको स्टोरेज स्पेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देखोगे लेफ्ट हैंड पे 2 दरवाजे बने हुए हैं, तो 2 घर का यहाँ पे हो गया, 2 घर का दूसरे वाले साइड पे हो गया। 2 इन्होंने यहाँ पे आपको डिज़ाइन ऑप्शंस बताए हुए हैं कि एक में इन्होंने यहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस बना के दिया हुआ है, एक में यहाँ पे इन्होंने आपको किड्स रूम एरिया बना के दिया हुआ है, बट एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ गाइज और मेरे को यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी कि इन्होंने यहाँ पे ना बिरला के फ्लोर्स की तरह थोड़ा सा संकन एरिया रखा है। संकन एरिया रखने से क्या होता है कि ना आपके बेसमेंट में ना सीपेज और वो स्मेल नहीं आती, आपको वेंटिलेशन अच्छी होती है। तो सारे के सारे रूम्स के साथ आपका कुछ ओपन एरिया भी है ताकि आपको यहाँ पे सीलन की और सीपेज की प्रॉब्लम ना लगे। सो गाइज अब मैं यहाँ पे इनके सैम्पल फ्लैट के अंदर आ गया हूँ विच ओपन्स इनटू द लिविंग एरिया, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं लिविंग एरिया के लेफ्ट साइड पे ही वहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टडी एरिया भी बनाया हुआ है। ठीक है गाइज, उसके अलावा मेरे लेफ्ट में यहाँ पे इनका गेस्ट बेडरूम है, उस गेस्ट बेडरूम के अंदर आपका अटैच टॉयलेट नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे उसके लिए अटैच टॉयलेट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पाउडर रूम बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे राइट हैंड पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इनका पूरा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के जस्ट लेफ्ट साइड पे ही यहाँ पे इनकी किचन है। किचन गाइस ये आपको फुली मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जहां तक आपके लिविंग रूम के एरिया की बात है, यहाँ पर भी ये आपको इटालियन मार्बल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा पीछे आप देखेंगे गाइस, पीछे आपका उधर की साइड आपका मास्टर बेडरूम है, दूसरी तरफ आपका किड्स बेडरूम है। जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर भी आपकी इटालियन मार्बल है, और जो किड्स बेडरूम बना हुआ है उसके अंदर आपको बिल्डर यहाँ पे वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग भी दे रहा है। मास्टर बेडरूम के साथ जो कि आजकल एक यू नो कॉमन ट्रेंड है, आपको एक वॉक इन क्लॉजेट भी मिल रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले बेडरूम के साथ भी आपको अलग से स्पेस मिल रही है अलमीरा के लिए। और जैसे कि फ्लोर्स में काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है, यहाँ पे भी आपको साथ में एक बालकनी आगे की साइड मिलेगी जो आपकी हॉल और गेस्ट बेडरूम के साथ होगी, एक बालकनी आपको पीछे की साइड मिलेगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं एक स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो आपको एसी मिल गया, आपको वो क्या कहते हैं ना वो मिल गया, आपको फ्लोरिंग मिल गई, वुडन फ्लोरिंग भी मिल गई, आपको इटालियन मार्बल भी मिल गया, आपको मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब भी मिल गया, आपको सारी बाथरूम की फिटिंग्स भी मिल गई, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग भी दिख रही है, ठीक है। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा फॉल सीलिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक वार्डरोब्स के अलावा सारी की सारी चीज़ें बिल्डर आपको यहाँ पे एज अ स्पेसिफिकेशन में प्रोवाइड कर रहा है। और प्लॉट की ना चौड़ाई ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से मतलब इनफैक्ट लिंडन से शायद थोड़ी सी छोटी है। लिंडन में प्लॉट साइज भी बड़ा था, 300 गज का प्लॉट था। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं एक स्टडी रूम हो गया, एक आपका हॉल हो गया, और एक आपका गेस्ट बेडरूम हो गया। तो प्लॉट की चौड़ाई ठीक ठाक है, और बैल्कनीज भी इन्होंने थोड़ी सी जिगजैग तरीके से बनाई हुई है। तो आई थिंक काफ़ी एफिशिएंट लेआउट है, कंसिडरिंग कि इसके अलावा आपको 300 स्क्वायर फीट का एरिया बेसमेंट में भी मिल रहा है, और आपको शेयर्ड टेरेस राइट भी मिल रहा है। सो गाइज अब मैं इस प्रोजेक्ट के वापस लॉबी एरिया में आ गया हूँ, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ गाइज, तो सबसे पहले तो जो सारे लोग करते हैं अच्छी बातें बताता हूँ। जैसे मैं बताया था शुरू में भी आपको कि मायवान कंस्ट्रक्शन है, गेटेड सोसाइटी है, बायोमेट्रिक से एंट्री है, आपको बेसमेंट में कमरा अलग से मिल रहा है, सर्वेंट रूम अलग से मिल रहा है, दो गाड़ियों की डेडिकेटेड पार्किंग मिल रही है, आप मेन शहर के पास में हो, ठीक है। और अगर आप देखेंगे गाइज अभी जो इनकी प्राइसिंग चल रही है, 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस बेसमेंट रूम, ये आपको दे रहे हैं मतलब 3 करोड़ के अंदर अंदर दे रहे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ना इस मे बी इस एरिया में सोसाइटी के आसपास, अगर आप किसी बिल्डर फ्लोर में जाएंगे तो बिल्डर फ्लोर आपको यहाँ पे 225-230 में सेम साइज़ का आपको बिल्डर फ्लोर भी मिल जाएगा, लेकिन वो बिल्डर फ्लोर में आपको अगेन बेसमेंट नहीं मिलेगा, टेरेस भी उसमें एक ही बंदे को मिलता है जिसका वो अलग से 1.5 करोड़ रुपये प्रीमियम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मतलब बेसिकली ना ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है जो मेन शहर के अंदर रहना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि फ्लोर के हिसाब से उनको अच्छा कार्पेट एरिया मिले, अच्छी लोकेशन मिले, लेकिन ना वो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। यहाँ पे मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपये स्क्वायर फीट यहाँ पे मेंटेनेंस आएगी, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ चैलेंजेस की, तो गाइज एक तो यहाँ पे ना इनका कहना है कि आस पास में कुछ हुडा का कुछ ग्रीन एरिया है जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सेसिबल होगा। बट अगर मैं अदरवाइज़ बात करूं, एमिनिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ना आपका कोई क्लब हाउस है, ना कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है। इनका कहना है जी अगर आपको क्लब चाहिए आप पास में क्या कहते हैं निर्वाणा में पैटियो क्लब की मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर आपको इतना ही क्लब में मेंबरशिप का शौक है तो आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी गाइज अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुशांत लोग में रह रहे हैं, DLF में रह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्लोर्स में लोग रहते हैं उनको जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आपको यहाँ पे नहीं रहेंगी, ठीक है। लेकिन लाइक आई सेड यू नो एमिनिटीज़ यहाँ पे नहीं है, ग्रीन एरिया यहाँ पे नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए मे बी आप टेरेस में ही कुछ एरिया अपना डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक गेटेड सोसाइटी में रहना चाहते हो अच्छे कार्पेट एरिया के साथ और 3 करोड़ से कम के बजट में, दिस इज़ स्टिल अ वेरी वायबल ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर। लाइक आई सेड इन माई पास्ट वीडियोज़, मतलब एक्सटेंशन रोड के जो प्रोजेक्ट मेरे बेंचमार्क हैं अदानी और बिरला के, उन प्रोजेक्ट से यहाँ पे आपको ना प्राइस पॉइंट काफ़ी कम मिल रहा है, ठीक है। लिंडन फ्लोर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो लिंडन फ्लोर से इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली लिंडन फ्लोर मेन शहर से दूर है, ये आप मेन शहर के बीच में बैठे हुए हो, ठीक है। तो अगर आप गाइस गेटेड सोसाइटी में, ठीक है, मेन शहर में हॉस्पिटल के पास, मतलब ना अभी मेरे को एक ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे मिले थे, इन्होंने कहा कि यार पास में मेदांता हॉस्पिटल है, आपका और भी हॉस्पिटल है यहाँ पे ना,
तो उस हिसाब से मेरे को वो एक्सेस चाहिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अगर आप भी उसमें से, ये एक एंड यूजर प्रॉपर्टी है, दिस इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसके अलावा 3 करोड़ के बजट में आपको और क्या ऑप्शन मिल सकती हैं, वो उसके लिए आप मुझे अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक 4 बेडरूम का भी ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने बताया था, 340 गज का। तो इस तरीके से गाइस, आने वाले टाइम में ना मैं देख रहा हूँ कि 2 करोड़ से नीचे के बजट में बहुत कम प्रॉपर्टीज ही लॉन्च हो रही हैं, और 4 करोड़ से ऊपर बहुत कम लोगों का बजट होता है। तो ये 2 से 3, 3.5 करोड़ के बजट पे मेरा आने वाले टाइम में थोड़ा सा फोकस रहने वाला है। इस बजट में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोज में बताऊंगा। अपनी सोना की सीरीज़ भी मुझे स्टार्ट करनी है SPR रोड के लिए। मेरे को बहुत लोगों ने बोला है, DLF के बाद लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं वाइट लाइन का प्रोजेक्ट भी जल्दी कवर करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से गाइस, जैसे आप लोगों ने मुझे 2023 में सपोर्ट किया है, इसी तरीके से आप लोग मुझे 2024 में भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते रहें। आई विल सी यू वेरी सून, बाय फॉर नाउ।